अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा आप बताएं, उम्मी की शादी में आए, उम्मी को क्या पैगाम देना चाहते हैं? पैगाम ये देना चाहते हैं भाई के सर्दियाँ आई हैं, हम कुआरे देखते रहे, उसकी शादी होगी, असल मजे उसके, चलो अल्लाह उसको ज़िंदगी में कामयाब करे। बहुत बड़ी बात है अल निकाह और ईमान, निकाह इंसान का आधा ईमान पूरा करता है। कोशिश है इंशाल्लाह, आप सब दुआएं करें, हमारा भी हो जाए। आपने अच्छी बात की माशाल्लाह, तो क्या कहना चाहते हैं उन नौजवानों को कि आप जल्दी शादी करनी चाहिए या नहीं? भाई शादी देखें, जिस तरह 18 साल की उम्र हो जाए ना फौरन शादी। हमारे साथ माशाल्लाह ये फैजी भाई खड़े हैं, पतले से एक बच्ची के बाप भी हैं, शादीशुदा हैं। देख लगती पता नहीं था, देख लें नहीं पता चलता ना, इस वजह से जो है मैं भी जल्दी कर रहा हूँ इंशाल्लाह। टिकटॉकर का अब सीज़न भी शादी का आ गया है, टिकटॉकर शादियाँ करना शुरू कर दिया, तो क्या कहते हैं? भाई हम टिकटॉकर बाद में, पहले हम मुसलमान हैं, हम इसको सुन्नत समझ के, नबी वसल्लम की सुन्नत समझ के करते हैं। बाकी जो है ना ये नहीं है टिकटॉक पे, इंशाल्लाह जिस दिन कपल बनाया रियल कपल बनाएंगे, इस तरह नहीं बनाते आज एक के साथ घूमे दूसरे के साथ कल वीडियोज बनाई, बस इस तरह नहीं। जो लड़कियों को शादी करनी नहीं है, उम्मीद को क्या न्यू शादी है क्या पैगाम देते हैं? बस जी देखें, जिस तरह दोस्त यार होते हैं शादी का बदल जाते हैं, बस भाई तू बदली ना साढ़ा तो बोल ही रही बस। नाम क्या है पूरा? मेरा आशिक फैजी। वैसे मैं भी आपका बहुत ज़्यादा फ़ैन भी हूँ, समझो कि फ़ैन हूँ आपका, क्योंकि माशाल्लाह मैं आपकी वीडियोस देखता हूँ, काफ़ी देखता हूँ और अच्छी लगती है कि उसमें आप एक कुछ सबक भी देते हैं, शायरी इस तरह करते हैं कि किसी का लाइफ के हवाले से। अच्छा मुझे ये बताएं, उम्मी मलिक की शादी में आए हो, क्या महसूस कर रहे हो, क्या आप कहना चाहते हो? मेरा उम्मीद तुम्हारा भाई है, ठीक है, उसकी शादी पर आके बहुत अच्छा लगा, बहुत इन्जॉय किया, मेहंदी पर भी बहुत इन्जॉय किया, तो अच्छी बात है उसने शादी कर लिया जी, क्योंकि मैं ख़ुद भी शादीशुदा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी एक बेटी भी है, तो बस अच्छी बात है टाइम से पहले शादी करनी चाहिए, बंदा 100 कामों से बुराइयों से बच जाता है। माशाल्लाह अच्छी बात की है, शादी करनी चाहिए। आपकी शादी हो चुकी है, एक बच्ची के बाप भी हो ना, मुझे नहीं है रियल में, सच भी बोले, सच बोल, सच बोल रहे हूँ जी, कभी कभी वो फ्रैंक भी हो जाते हैं वो नहीं है। अभी तो किसी को ज़्यादा पता भी नहीं था, अब पता चल गया, तो वो लड़कियां तो बस यार, लड़कियों का शौक ही नहीं किया कभी लाइफ में अल्हम्दुलिल्लाह, इसीलिए छोटी सी उम्र में शादी भी कर ली है। तो आपने कहा टिकटॉकर लड़की के साथ शादी नहीं करना चाहिए, आप क्यों? नहीं करनी चाहिए जी, टिकटॉकर के साथ देखें अपनी इज्जत इज्जत है, ठीक है ना, अपनी इज्जत में रह के जो घर वाले कहते हैं वो करें आप शादी, उनसे करें, उनकी मन तमन्ना से करें, लव मैरिज करनी चाहिए, बरल मेरे हिसाब से नहीं, नहीं करनी चाहिए। आपने तो चलो माशाल्लाह है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तो शादी हुई है, मैं तो यही कहूँगा हुज़ूर है। वो टिकटॉकर लड़कियाँ आपको देख रही होगी, वो कहेंगे कि यार क्यों बोल रहे हैं इस तरह, तो क्या इसको ऐसे एक्सीडेंट हुआ है आपके साथ? अब आप मेरी भी ले रहे हैं राम राम से, ठीक है ना तो ऐसी बात कुछ भी नहीं है, बस यही है शादी एक अच्छी चीज़ है, टाइम से कर लेनी चाहिए, लव मैरिज भी कर लेनी चाहिए, सब कुछ कर लेना चाहिए, बरल घर वालों के मशवरे के साथ कर लेना चाहिए। माशाल्लाह बहुत। उम्मी को लास्ट में क्या कहना चाहते हैं? उम्मी साहब को ये कहेंगे जी माशाल्लाह बहुत खुशी हुई है, अल्लाह पाक आपके नसीब अच्छे करे, आपको इत्तेफाक से रहने की तौफीक अता फरमाए। और एक शायर मुझे बोले कि वो कहते हैं हसरत का कोई फ़ायदा नहीं, मुर्शद बुलंदियाँ खुदा की ज़ात देती है।